कुल मिलाकर इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकले ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी ने मोर्चा संभाला और ये कहा कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश कुछ विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है, जिसमें वो कामयाब कतई नहीं होंगे। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की उनकी ये कोशिश है। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। किसानों के भारत बंद को लेकर केंद्र के दिशा निर्देश सामने आए हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों को बकायदा निर्देशित किया गया है। भारत बंद के दौरान कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, पहले से लगातार किसानों के इस बंद के आह्वान पर पहले से ही चाक चौबंद ज्यादा है, लेकिन देशभर में शांति बनाए रखने के लिए ये कड़े दिशा निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की ओर से कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो अपने आप में कल किसानों का भारत बंद और इसके अलावा विपक्षी दलों का उनको समर्थन, लेकिन अब केंद्र का ये रुख, एक तरफ सख्ती सुरक्षा को लेकर देशभर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, तो कोरोना के नियमों को भी पालन करने के लिए बाकायदा निर्देशित किया गया है।